हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत खूबसूरत सा पोंचो नेकलेस लेकर आई हूँ। आप इसको शार्क बोल सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश था। मुझसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे मैम कोई पोंचो बताएं, स्टाइलिश सा पोंचो बताएं या फिर स्टाइलिश शार्क बताएं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग हटके कोई डिजाइंस बनाया जाए जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाला हो। मुझे लगता है कि आज तक किसी ने नहीं डाला है यूट्यूब पर, और अब हो सकता है लोग डालने लगे, आ जाए वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत से बनाया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पर मैंने स्टोन लगाए हैं, जैसे मैंने आगे से बनाया है, आगे का जो आप फ्रंट साइड देख रहे हैं सेम वैसे ही मैंने बैक साइड बनाया है, पीछे भी है। तो आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जीन्स पर ही डालें, आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको डाल सकते हैं। तो बहुत आसान है बनाना, बहुत ईजी है बनाना। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम क्रोशिया नहीं बताती है क्रोशिया नंबर, तो देख लीजिए क्रोशिया नंबर मैंने यहाँ पर लिया। अगर आपके पास इस टाइप की क्रोशिया नहीं है तो 11 नंबर की क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 130 चैन डाल रखी हैं। 130 चैन डालने के बाद मैंने यहाँ पर जॉइंट करूँगी। ऊन भी इसमें बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है ऊन। तो अगर आप लोग बच्चे का बनाएंगे तो और ज़्यादा कम लगेगी। देखिए अब मैंने तीन चैन लेकर इसमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब अगली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ, वापस इसी में डालकर एक डबल क्रोशिया और बना रही हूँ। ठीक है, हमें एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है और एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाना है। एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को ऐसे ही बनाना है। सेकेंड राउंड में क्या करना है वो मैं आपको अभी बता दूँगी। तो देखिए इसको ऐसे ही बनाएंगे और सेकेंड राउंड में क्या करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए मैंने पूरा बना लिया है, यहाँ पर मैं इसको जॉइंट कर दूंगी। फिर तीन चैन ले ली मैंने, अब मैं इसको इसकी किनार बनाऊंगी। देखिए तीन चैन लेने के बाद हम आगे के साइड से इस तरीके से जॉइंट करेंगे और हमारे नेक पे जो गले पर जो किनार बनकर आई थी मैं उसको बनाना बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। देखिए अब यहाँ पर हम तीन चैन लेंगे, 1 2 3 थ्री चैन लेने के बाद देखिए थ्री चैन ले ली। अब मैं इसको वापस इसी में डाल दूँगी जिसमें अभी मैंने थ्री चैन ली है, इसी में डालकर और इसको जॉइंट कर दूँगी। देखिए अब तीन चैन में हमें नहीं बनाना है तो तीन चैन को हम स्किप करेंगे इस तरीके से और चौथी चैन में हम फिर से बनाएंगे। देखिए तीन चैन को मैं स्किप कर रही हूँ, चौथी चैन में फिर से बनाऊंगी। अब देखिए इस चैन में डालूंगी और तीन चैन बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 थ्री चैन बनाने के बाद जहाँ पर हमने यहाँ पर डालेंगे देखिए और इसको जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। तो इस रो को ऐसे ही बनाना है, इस तरीके से किनार बनकर आएगी और ये हमारे नेक पर रहेगा, आगे की साइड गले पर रहेगा ऊपर। तो इस राउंड को ऐसे ही बनाना है। तो ऐसे ही खूबसूरत डिजाइंस देखने के लिए अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो जैसी घंटी बनकर आएगी उस घंटी को ज़रूर टच करें, तभी आपको मेरी वीडियो मिल पाएंगी, वरना मेरी वीडियो के बारे में नहीं पता चल पाएगा। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी मेरा चैनल ओपन करके वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जिस पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया दें कि अगली वीडियो किस पर बनाऊं, क्या चीज़ बनाऊं अगली वीडियो, तो आइडिया ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें। देखिए इस तरीके से इस रो को कम्प्लीट करना है, तीन चैन स्किप करनी है, तीन चैन को छोड़ना है, चौथी चैन में हम एक किनार बनाएंगे। देखिए इस तरीके से किनार बनेगी। अब मैं इसको पूरा बनाने के बाद बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। अब देखिए पूरी किनार बन गई है, यहाँ पर मैंने अलग कलर की ऊन को बांध लिया, तो यहाँ पर हमें मुड्ढे जितने रखने हैं उतने मुड्ढे पर मैंने बांधा है। तो इस तरीके से आप जब हाफ करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मुड्ढे कितने रखने चाहिए। तो उस तरीके से आप यहाँ पर ऊन बांध लें, या फिर आपके पास पिन हो तो आप पिन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग कलर के ऊन को बांधा है। अब देखिए हम आगे के साइड से स्टार्ट करेंगे
फ्रंट साइड है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसका हाफ करेंगे, जहाँ हमने ऊन बांधी है इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ कर कर और बीच से स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। बीच से स्टार्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो ऊन बांधी है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बीच में भी मैंने इस तरीके से ऊन बांध ली है, जो हमने साइडों में जो ऊन बांधी थी उसके बीच में मैंने ऊन बांध ली है। मैंने पहले यहाँ पर डालूँगी, देखिए पहले यहाँ पर डालूँगी और हम तीन चैन बनाएंगे इसमें, देखिए। और फिर धागे को इस तरीके से खींचेंगे, धागे को खींचा इस तरीके से, और देखिए इसके अंदर हम चार बार इस तरीके से फंदे लेंगे, सॉरी बल लेकर फंदे लेने, चार बार फंदे लूँगी मैं, तीन चार, देखिए चार बार लेने के बाद सबको एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर देखिए एक दो, दो चैन ली, फिर धागे को खींचा और फिर इसके अंदर हम चार बार फंदे लेंगे, देखिए इस तरीके से फिर निकाल दिया। तो हम इसी तरीके से पांच बना लेंगे, सिंपल है, दो चैन लेनी है और तीसरी चैन में इस तरीके से बनाना है। देखिए मैंने पांच बना लिए हैं यहाँ पर। अब पांच बनाने के बाद अब मैं बीच में बना रही हूँ, गले के जो बीच में वहाँ पर बना रही हूँ। तो दो चैन छोड़ के तीसरी चैन में मैंने यहाँ पर ऊन बांधी थी, मैं इसको खोल दे रही हूँ। आप लोग ध्यान रखें ये आगे का साइड है, जो हमने साइडों में मुड्ढे की जो ऊन बांधी है वो मैं नहीं खोल रही हूँ, जो बीच में मैंने बांधी है वो खोल रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको जॉइंट कर दूँगी मैं, थोड़ा भी कैमरे में दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से जॉइंट हो गया, इस तरीके से आ गई है। अब मैं एक चैन स्किप करूँगी यहाँ पर और दूसरी चैन में बनाऊँगी, देखिए एक दो, दो चैन ली, इसको खींचेंगे थोड़ा सा हम। अब इसके अंदर हम चार बार फंदे लेंगे, देखिए इस तरीके से। तो हमें हर हर राउंड में दो दो ये बढ़ाने हैं। अभी मैंने पांच बनाए थे, अब मैं सात बनाऊंगी, ठीक है। देखिए फिर दो चैन ली हमने और फिर हम इसको खींचेंगे इस तरीके से और इसको पकड़ा, इसके अंदर हम चार बार फंदे लेंगे और इन सबको एक साथ निकालेंगे। तो सिंपल है, अभी हमने पांच बनाए थे वैसे ही अभी हम सात बना लेंगे। देखिए इस तरीके से करना है। तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को बहुत सारे लाइक तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं एक तो ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि बहुत कम टाइम में आप बहुत खूबसूरत सी चीज़ बना सकें, ठीक है। टाइम कम है, चीज़ बहुत खूबसूरत है, ऊन बहुत कम लगती है इसमें। आप मैंने इतना बड़ा बनाया, अपने साइज का बनाया, तो इसमें आई थिंक 180 ग्राम ऊन लगी है। अगर छोटा बनाएंगे तो 100 ग्राम ऊन में भी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सात बना लिए हैं। अब सात बनाने के बाद मैं इसको जॉइंट करूँगी यहाँ पर, देखिए सात बनाए हैं, इसको यहाँ पर इस चैन में, इसके पास वाली चैन में जॉइंट करूँगी, देखिए यहाँ पर इसको जॉइंट करूँगी, सिंपली जॉइंट करूँगी। अब एक चैन हम स्किप करेंगे, एक चैन स्किप करके अब फिर से हम बनाएंगे, अगली चैन में फिर से हम बनाएंगे, दो चैन लेंगे और इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो अभी हमने पहले स्टार्टिंग में हमने पांच बनाए थे, फिर हमने सात बनाए, अब हम यहाँ पर नौ बनाएंगे। तो एक चैन स्किप करनी है और दूसरी चैन में हमें बनाना है। देखिए चार बार लेंगे इस तरीके से और तीन चैन ली, इस तरीके से बनाते गए, देखिए
सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। देखिए यहाँ पर 5 बनाए थे, फिर हमने 7 लिए, अब यहाँ पर 9 बनाकर यहाँ पर ज्वाइन करूँगी, फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगी, अगली वाली चैन से स्टार्ट करूँगी तो उसमें हम 11 बनाएंगे, फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे, बना लेंगे। टोटल हम 22 लेयर बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस तरीके से हमें बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया 9, अब मैं अगले राउंड में 11 बनाऊंगी, तो हमें हर राउंड में 2 बढ़ाने हैं। देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, सरल हो और एकदम इजी तरीके से आपको सिखाऊँ। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, मैं बार बार लाइक के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में इसमें बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। देखिए अब फिर मैंने एक चैन स्किप करके और दूसरी चैन में डालकर इसी तरीके से बना रही हूँ। 4 बार डालेंगे हम, इन सबको एक साथ निकालेंगे। अब फिर 2 चैन लेंगे हम, देखिए 1-2 चैन ली, इसको फंदे को खींचेंगे थोड़ा सा। खींचने के बाद फिर हम इसके अंदर बनाएंगे 1-2। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे, तो हर राउंड में हमें 2-2 बढ़ाने हैं। और आगे के साइड का मैं बना के फिर आपको सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आगे का बनाऊंगी सेम उसी तरीके से पीछे का बनाना है। मतलब 22 लेयर हमें कंप्लीट करनी है आगे और 22 लेयर कंप्लीट करनी है पीछे। फिर मैं मुड्ढे पर जो बनाना है वो मैं आपको बता दूँगी, 2-2 बढ़ाकर। और आप चैन बनानी है, सरल है, बहुत ईजी है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरीके से बनाते जाना है और फिर मैं आगे, और ऐसे ही सेम यहाँ तक बनाना है और ऐसे ही सेम मैं पीछे बना लूँगी। फिर जो मुड्ढे के जो फंदे हैं मैं उसमें आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे बनाना है। अभी देखिए ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। आपको लगे ज़्यादा फंदे हो रहे हैं तो आप 2-2 फंदे भी स्किप कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट वाले जो 22वीं हमारी रो है उसमें देखिए ऐसे कैसे बनाना है, तो यहाँ पर कैसे जॉइंट करना है। देखिए मैंने ऊन बांधी है, यहाँ पर जॉइंट कर रही हूँ, मैं ऊन को कट खोल दूँगी मैं। देखिए इस तरीके से ऊन को जॉइंट किया, अब इस ऊन को कट कर दूँगी मैं। देखिए इस तरीके से ऊन को कट कर दूँगी मैं। अब यहाँ पर हम मुड्ढे पर बनाएंगे, मुड्ढे के साइड है, दोनों साइड मैंने बना लिया, आगे और पीछे बना लिया है। अब मुड्ढे पर कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। देखिए मैं पूरा रख कर दिखाती हूँ, देखिए पूरा कम्प्लीट हो गया है। अब मुड्ढे पर कैसे बनाना है मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए ठीक है, ये लेयर्स बन गई हैं। अब देखिए मुड्ढे जो हमने ऊन बांधे इसको ऐसे करेंगे और हाफ इसका कर बीच के 2 फंदे हम छोड़ेंगे, बीच के 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए 1 और 2 फंदे छोड़ेंगे और तीसरे फंदे में हम 2 छोड़े, तीसरे फंदे में यहाँ पर डालेंगे। और अभी यहाँ पर ऊन जॉइंट करूँगी मैं, और देखिए 2 चैन ली, उसको खींचा, इतना खींचने के बाद इसको इस तरीके से किया और इसमें हम देखिए 4 बार फंदे निकालेंगे। सेम जैसे अभी हमने आगे बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1-2 चैन ली, फिर इसको खींचेंगे इतना और फिर इसके अंदर हम 4 बार फंदे लेंगे और सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। तो हम 6 बार बनाएंगे, जैसे हमने अभी आगे का बनाए थे 6, स्टार्टिंग में 6 बनाया था, इस तरीके से हम 6 लेंगे और हमें टोटल 8 लेयर कंप्लीट करनी है। देखिए 1-2 हो गया, मैं 6 बना के दिखाती हूँ। देखिए 6 बन गए हैं इस तरीके से, 2-3-4-5-6 हो गए हैं। अब मैं इसको ज्वाइंट करूँगी, देखिए यहाँ पर हम 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से ज्वाइन करूँगी मैं। अब हम एक चैन स्किप करेंगे, यहाँ पर एक चैन स्किप करेंगे, देखिए छोड़ेंगे एक चैन को हम, और फिर हम दूसरी चैन में यहाँ पर डालकर फिर से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसी तरीके से भी हमने 6 बनाए हैं। अब हम इसमें आगे
अच्छा, मुड्ढे पर हमें ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने हैं, तो हमने स्टार्टिंग में 6 किए हैं, फिर 7 बनाएंगे, यहाँ तक हमें बनाना है। टोटल 8 लेयर हमें कंप्लीट करनी है, 8 लेयर कंप्लीट करनी है। तो स्टार्टिंग में 6 किया है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से हमें बढ़ाना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ। तो देखिए 6 है, फिर हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 बनाकर उसमें जॉइंट करेंगे, फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा दी, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, पहले 6 बनाए थे, फिर आगे हमने 8 कर दिए थे, इस हिसाब से हमने बढ़ाए थे, दो दो बढ़ाए थे, हमें मुड्ढे पर एक ही एक बढ़ाना है, ठीक है, वरना आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप चाहें तो इसमें बीच बीच में स्टोन भी लगा सकते हैं, वो आपको चॉइस है, स्टोन लगा लेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पर मैंने एक मुड्ढा बना लिया था, तो मैं आपको समझा देती हूँ उसमें। देखिए 8 लेयर कंप्लीट की मैंने यहाँ पर, और इस तरीके से देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो स्टार्टिंग में 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक एक करके बढ़ाया, तो लास्ट में 13 हो गए थे हमारे पास, और हमने 8 लेयर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने 6 बना लिया था, अब मैंने सात की बनाए हैं, देखिए 6 हो गया, अब मैंने 7 बनाए हैं, यहाँ पर इसको जॉइंट करूँगी, यहाँ पर जॉइंट करूँगी, जॉइंट किया, ये देखिए एक चेन स्किप की, अब फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 7 बनाएंगे, वो सॉरी 6 बनाए थे 7, अब इसमें हम 8 बनाएंगे, और फिर मैं 8 लेयर कंप्लीट करने के बाद स्टोन लगाऊंगी। स्टोन लगाने के बाद मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ, क्योंकि सिंपल है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को क्रोशिया चलाना आता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अब आगे कौन सी वीडियो डालूं, थोड़ा सा आइडिया दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, मतलब किसी ने अगर कुछ बोला है उसको, उसकी कमेंट को लाइक करके मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इसका वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उसी पर वीडियो डालूँगी, बनाऊँगी, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बन गया है, यहाँ पर मैंने स्टोन भी लगा लिए, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया है, कलर मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो ब्लैक कलर में बनाएं, वाइट कलर में बनाएं, येलो कलर में बनाएं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, हर कलर में बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद ही आया होगा, तो लाइक कर दो यार। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, बाय।